लगाया मां डालने का आरोप। दो भाइयों के बीच में अकेली बहन थी, मां का रो रोकर हुआ बुरा हाल। गत रात्रि अपनी ससुराल से विवाहिता गायब हो गई, जिसकी सूचना महिला के पति ने मायके वालों को दी। वहां पहुंचकर ससुराल वालों पर मार डालने का आरोप लगाया। शौरिक थाना क्षेत्र के आलम शाह पूर्व के रहने वाले नारायण उर्फ सोना त्रिपाठी पुत्र रामधार त्रिपाठी की शादी 23 नवंबर 2013 को कौदिनेश चंद्र दुबे पुत्र राम अवतार दुबे ने अपनी पुत्री शैलेश उर्फ 16 उम्र 28 वर्ष की यथास्थिति दान दहेज देकर की थी। वहां आए दिन मेरी पुत्री के साथ मारपीट करता रहता था। गत दिवस भी पति पत्नी ने किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पर मेरा छोटा बेटा अनुज दुबे यहाँ आया और उसने अपने बहनोई सोना को काफी समझाया और बहन शैला को साथ भेजने के लिए कहा, जिस पर सोना ने मना कर दिया था। वो गत रात्रि लगभग 10:30 बजे वहाँ पर चला गया। सुबह बहनोई थाना सोना द्वारा फोन किया गया, बताया कि शैला कहीं चली गई है। जब हम लोग आए तो यहाँ पर सोना व उनकी माँ माया मौजूद थी। जब हमने अपनी पुत्री के बारे में जानकारी चाही तो वो कुछ भी नहीं बता पाए, जिस पर हम लोगों थाना शौरिक में सूचना दी, जिस पर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। लड़की के पिता ने थाने में लड़की के पिता दिनेश चंद्र दुबे पुत्र राम अवतार दुबे ने लड़की के पति नारायण उर्फ सोना सास माया और ननद रूबी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। रिपोर्ट बाय लखन प्रताप सैनी, समाचार इंडिया न्यूज कन्नौज। हमारी लड़की हमने 25 नवंबर 2013 को यहाँ इस घर में शादी की थी। लड़का शुरू से ही परेशान करता रहा, जो डिमांड की वो हम करते रहे। इसने 8 लाख की मांग की, हमने 10 लाख खर्च किए शादी में। उसके बाद जब जब डिमांड हुई इसकी, हमारी एक लड़की थी, हमने चलो देते रहो, हम साहब एक सर्विस में नहीं है और अध्यापक भी हैं। क्या नाम था आपकी बेटी का? शैलेश कुमारी। तो इससे पहले भी कई बार प्रताड़ित करने की घटना टार्चर किया सर, इसने टार्चर किया है लड़की को। और लड़की इतनी सभ्य थी कि उसने जब जब हमने की क्या बात होगी, इसने अपनी माँ को बताया कि ऐसी ऐसी बात, हम लोगों नहीं बताती थी, अपनी इज्जत को घबराती थी। क्या तो नाम है आपका? दिनेश चंद दुबे। कहाँ रहने वाले? ग्राम नवगाई, तहसील छिबरामऊ। आपने अपनी लड़की की शादी किसके साथ की थी? नारायण त्रिपाठी। पूरा पिताजी का नाम? पिताजी का श्री रामाधार त्रिपाठी, जो रिटायर अमीन है उसके छोटे लड़के के। गांव आलम शाहपुर निवासी नवगाई थाना छिबरामऊ। हमने अपनी बहन की शादी 25 नवंबर 2013 को नारायण त्रिपाठी और सोना त्रिपाठी सनाब रामाधार त्रिपाठी के घर में की थी। शादी को 7वीं साल चल रही है। ये आए दिन मारपीट करते थे, उनका शोषण करते थे, लेकिन हमारी बहन कुछ संस्कारों की वजह से अपने घर तक नहीं पहुंचाई बात। हालांकि हम तक पहुंची, हमने चलो शांत हो जाएगा मैटर, एक दिन, दो दिन, चार दिन, लेकिन ये आए दिन कहीं रुपए, ये इतने रुपए लाओ, उतने रुपए लाओ घर से, और बहुत प्रताड़ित किया गया। कल भी इनकी मारपीट हुई थी, एक बार और पहले मारपीट हुई थी। इनके कान पूरा फटा रखा था, 9 टाँके आए कान में हमारी सिस्टर के। तो हमने अचानक से इस घर में मेरा आगमन हुआ, तुरंत हमने कहा, हमने कहा ऐसे ऐसे करके दीदी ये क्या हो गया, तो उन्होंने छिपाई बात। फिर उन्होंने हमको कसम दे दी, मजबूर कर दिया, घर तक ना बात पहुँचे, अपने तक रखना। तो हमने चलो भाई कोई बात नहीं, फिर हमने जीजा को समझाया, हमने जीजा अच्छी बात नहीं है, बोले यहाँ रहेंगे तो जैसे हम रखेंगे तैसे रहेंगे, हमारे हिसाब से रहेंगे, अपने घर ले जाओ। कल इनकी मारपीट हुई होगी तो जीजा ने हमारे पास फ़ोन किया, बोला अगर इसको ले जाना है ले जाओ, नहीं तो हम तो यहाँ इसे मार देंगे, रखेंगे नहीं हम। तो हम फिर तुरंत यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हमने दीदी से कहा, जीजा को समझाया हमने क्या बात है, लेकिन जब वो इनको समझो नहीं आया जीजा के, तो हमने दीदी से कहा, हमने कहा चलो मैया उनकी दीदी के सास जो है उनसे भी कहा हमने, हमने कहा मैया के 1-1.5 घंटे हम रात में 10:30 बजे यहाँ से गए, हमने बहुत समझाया, हमने कहा मैया इनको भेज दो, आज इनका क्रोध शांत हो जाएगा जीजा के, हो सकता है कल को कुछ बात बने। लेकिन जी ना उनकी सास ने सुनी ना जीजा ने, जीजा ने सीधी दीदी से ये शब्द बोला कि अगर यहाँ से इस घर से कदम बाहर निकाला तो मैं इस घर में तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर दीदी हमारी मजबूर हो गई। कल हमने उनके पैर तक, मतलब उन्होंने हमारे उल्टे पैर छुए, बोलता बेटा हम मजबूर हैं कुछ कर नहीं सकते, तो फिर मजबूर हो गए। तब रात में 10:30 बजे यहाँ से थे और यहाँ से सुबह सूचना मिली, हमें जीजा ने फ़ोन किया कि छोटू ऐसा ऐसा है, शैला गायब हो गई है। और हमने कहा कि पता नहीं इनका पति पत्नी, इन्हें पति को नहीं पता हमारी पत्नी कहाँ चली गई। अब वो नारायण जी कहाँ पे हैं? नारायण जी थाने गए, नारायण जी शौरिक थाने गए जी। अभी आपकी बहन का पता नहीं लग रहा, डेड बॉडी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ है, क्या किया क्या नहीं किया, अभी तो कुछ सुराग नहीं लग रहा।